सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। सभी जन सुखी रहें, निरोगी रहें, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। माँ भगवती भगवान शिव से यही प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय माता दी। ईश्वर जो है हर एक व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से, जब वह सच्चे भाव सच्चे मन से अपने कर्म करता है, कर्म में ही भक्ति आती है और कर्म में ही आध्यात्मिक मार्ग आता है, उसका निर्वाह करते करते प्रभु की एक विशेष जो है पूजा नित्य करे या विशेष आराधना मंत्रों का जाप करे, प्रभु जो है अपने सच्चे भक्त को कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत जो है कहीं सुनी बातें नहीं हैं। इनका पौराणिक शास्त्रों में या जो व्यक्ति सच्चे भाव से ईश्वर को मानता है, प्रभु उसे संकेत देते हैं, अपने अनुभव कराते हैं, अपनी अनुभूति कराते हैं। उसमें ही दीपक में फूल बनना है। दीपक की अलग अलग आकृतियों का अपना एक अलग अर्थ होता है। ऐसे में मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी पूछा था कि दिल का आकार जो होता है, जिसे इंग्लिश में हार्ट कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। यह कहीं जैसे कि गणेश जी की आकृति बनती है या शंख की आकृति बनती है, तो शंख जो है श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होता है, उन्हें स्नान कराया जाता है। आपने इस्कॉन के मंदिर में या बड़े बड़े राधा कृष्णा के मंदिर में देखा होगा, जबकि भगवान शिव को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, वहीं भगवान विष्णु को जो है शंख से स्नान कराया जाता है। इसके पीछे कारण भी यही है, शंखाचूर्ण नामक राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था, इसलिए शंख जो है भगवान शिव के अभिषेक में काम में नहीं लिया जाता। वहीं उनको प्रिय जो है भगवान शिव को उनको प्रदर्शित करने के लिए अलग आकृतियाँ होती हैं, भगवान विष्णु को अलग आकृतियाँ होती हैं, माता रानी को प्रदर्शित करने के लिए अलग तरह से आकृतियाँ होती हैं। ऐसे में जो यह दिल की आकृति होती है, यह क्या अर्थ है, इसका क्या संकेत है। मन में एक जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, ईश्वर के प्रत्येक स्वरूप को जानने समझने और ज्ञान लेने की अधिक से अधिक कोशिश करते हैं, इसके लिए वह सहारा लेते हैं। आजकल यूट्यूब का माध्यम हो गया या प्राचीन किताबें, उनमें जो है इन चीज़ों का कहीं ना कहीं अगर इनको धर्म से जोड़ के देखा जाए और पूर्ण रूप से ज्ञान के तौर पर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इनका अर्थ इस तरह से निकाला जाता है। ऐसे में जो दिल की आकृति होती है, उसका क्या अर्थ होता है। दिल का संबंध जो है, आप भगवान श्री कृष्णा के श्रीमद् भगवद गीता हो या माता रानी के कालिका पुराण या देवी पुराण में हृदय का, या अन्य वेद शास्त्रों में हृदय का अर्थ प्रेम से जाना जाता है। जब मनुष्य और भगवान का कनेक्शन हो जाता है, अर्थात प्रेम की भावना मन और मस्तिष्क में पूर्ण रूप से विराजमान हो जाती है, तो ईश्वर जो है यह संकेत दे रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं तुम्हारे मन पर मस्तिष्क पर मेरा प्रेम हो गया है। हम ईश्वर को जो है जैसे श्री कृष्णा को बाल रूप में एक बच्चे की तरह बहुत अधिक प्रेम करते हैं, माता रानी को जो है एक माता के रूप में बहुत अधिक हमारा स्नेह से मन भर उठता है, वहीं माता रानी की भी हमारे प्रति जो है हमारे भाव देखकर, हमारी पूजा अर्चना देखकर कहीं ना कहीं प्रेम से उनका मन जो है प्रफुल्लित हो उठता है। इसी कारण से जो है दिल का आकार बनता है। इसका सीधा सा सरल सा अर्थ होता है, दिल का अर्थ, हार्ट का अर्थ, मतलब कहने का अर्थ है एक प्रेम से संबंध होता है, जो हमारा ईश्वर के प्रति एक बॉन्डिंग सी हो जाती है, एक प्रेम के रूप में इस चीज को लिया जा सकता है। हो सकता है कभी अलग अलग आकृतियां बने, उसमें से ही दिल का स्वरूप भी बन सकता है। यह कोई से भी ईश्वर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारे देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके नाम का भोग लगाते हैं, उनका नाम ही मात्र ले लेते हैं, तो वह ईश्वर के प्रति कोई से भी भगवान हो सकते हैं, इन्हें एक रूप में नहीं कहा जा सकता। कुल देवी हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, पितृ हो सकते हैं। तो हृदय की आकृति या दिल की आकार या हार्ट का शेप, इसे अलग अलग भाषाओं में कहा जाता है, कि ईश्वर के प्रति हमारा मन इस तरह से लग गया है, अब हमें मन मस्तिष्क से जो है पूर्ण रूप से अब कहीं ना कहीं हमारे हृदय में भगवान का वास हो गया है, अब हमें अपने भक्ति के मार्ग पर स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक मार्ग, अपने तपोबल, अपने औरे को जो है मजबूत करते जाना है, मंत्रों के जाप से, दान और साथ ही सेवा भावना, मानव सेवा हो, नित्य पूजा हो, मंत्रों का जाप हो, वेद शास्त्रों के पठन पाठन को, कैसे भी आप अपने आध्यात्मिक मार्ग को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से दिल का अर्थ होता है, हार्ट का अर्थ होता है प्रेम, जो ईश्वर के प्रति हमारा हो चुका है।
इस तरह से आज यह जानकारी थी जो दीपक में हार्ट की आकृति बनती है, दिल की आकृति बनती है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना ना भूले। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें। राधे राधे, जय माता दी।